अस्सलाम वालेकुम। दराज ऑनलाइन अर्निंग की क्लास नंबर 4 के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुआ हूं। तो पिछली वीडियोस के अंदर हम अपने जो 3 स्टेप्स हैं पहले शुरू वाले वो कंप्लीट कर चुके हैं और आज का हमारा जो स्टेप है उसको हम कवर करेंगे ऑर्डर पैकेज मटेरियल को। तो बहुत ही आसान है, इसके बारे में डिटेल से आपको अभी मैं गाइड करता हूँ। तो जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ऑर्डर पैकेज मटेरियल के ऊपर, तो आपके पास ये वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा ऑर्डर पैकेजिंग मटेरियल का। तो इसके वाले से जाने से पहले नीचे हमारे पास जो 3 लिंक दी गई हैं इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसको मैं ओपन करूंगा तो आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पैकेज मटेरियल क्या होता है। इसको मैं न्यू टैब के अंदर अलग-अलग ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों पैकेज मटेरियल से मुराद वो मटेरियल है जिसके अंदर आपने अपनी प्रोडक्ट को पैक करके कस्टमर को सेंड करना है। तो यहाँ पर मैंने 3 लिंक्स ओपन की हैं, मैं आपको अभी शो करवाता हूँ। तो जैसे ये मैंने पैकेज मटेरियल ओपन किया, ये कॉटन के बॉक्सेस हैं। अब आपने खुद देखना है, अपने हिसाब से देखना है कि आपकी जो प्रोडक्ट है जो आपने सेल के ऊपर लगानी है वो किस बॉक्स के अंदर रहेगी। तो यहाँ पर 3 किस्म की कैटेगरी हैं, 4 किस्म की। कॉटन बॉक्स है, एक है शॉपर फ्लायर कहते हैं जिसे, और एक बबल रैप वाला पेपर है, और इसके अलावा छोटे छोटे ये स्मॉल भी, इसके अलावा 2-3 कैटेगरी ये भी है। तो यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, आपने जो मर्ज़ी कोई ना कोई एक अपने प्रोडक्ट सबसे पहले आपने ऑर्डर करना होता है। तो यहाँ पर मैं जो ऑर्डर करने वाला हूँ वो है फ्लायर को मैं ऑर्डर करूँगा, क्योंकि मैंने जो चीज़ें सेल करनी है वो एक शॉपर के अंदर ईजिली आ जाएंगी। तो ये बात में आप अलहदा से भी परचेज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल आपने कोई ना कोई एक प्रोडक्ट आपने ऑर्डर करना है, कोई भी कर लें। तो यहाँ पर दोस्तों मैं ये जो लार्ज फ्लायर है, बंडल ऑफ 50 लार्ज फ्लायर्स, इसको मैं ऑर्डर करने लगा हूँ। तो आपने अपने हिसाब से देख लेना है कि आपने कॉटन ऑर्डर करना है या शॉपर ऑर्डर करने हैं। तो यहाँ पर आप इसको इसकी सारी स्पेक्स देख सकते हैं। ये 525 रुपये का आपको मिलेगा, जिसके अंदर 50 फ्लायर्स होंगे, शॉपर्स होंगे, जिसके अंदर आपने चीज़ें पैक करनी है। तो ख़रीदने के लिए आपने बाय नाउ के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे बाय नाउ के ऊपर, तो आपके पास ये वाली विंडो आ जाएगी। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि आपने लॉगिन करना है। तो यहाँ पर याद रखें, आपने उस ईमेल आईडी को इस्तेमाल करते हुए इसके ऊपर भी दराज का जो सेलर सेंटर वाला अकाउंट हमने बनाया था, जो ईमेल हमने वहाँ पर लगाई थी, वही सेम ईमेल आईडी आपने ये परचेजिंग वाले ऐप के ऊपर भी आपने बनानी है। एक दराज का सेलर अकाउंट होता है और एक तरह दराज का जो कस्टमर अकाउंट होता है। तो अब आपने एज अ कस्टमर इसके ऊपर अकाउंट बनाना है फ्लायर्स को ऑर्डर करने के लिए। तो आपने वही ईमेल आईडी यहाँ पर लगाकर इसको साइनअप करना है जो आपने दराज सेलर सेंटर की आईडी के ऊपर लगाई होगी। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है रजिस्टर्ड के ऊपर, क्योंकि अभी हमने अकाउंट नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने अपनी ईमेल आईडी को इस्तेमाल करना है, इसलिए आपने फ़ोन नंबर के बजाय साइनअप विद ईमेल के ऊपर आपने क्लिक करना है। और इसके बाद आपके पास ईमेल एड्रेस का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने अपनी ईमेल एड्रेस लिखनी है, फुल नेम लिखना है, और स्लाइड करके आपने इसको ऐसे वेरीफाई करना है। तो आपकी ईमेल के ऊपर एक वेरिफिकेशन मैसेज आ जाएगा। नीचे आपने पासवर्ड सेट कर लेना है और ईमेल ओपन करके जो पासवर्ड आया होगा वो आपने यहाँ पर लगा लेना है। फिलअप करने के बाद आपने साइनअप पर क्लिक करना है और आपका जो साइनअप हो जाएगा और आपके पास ये वाली विंडो आ जाएगी डिलीवरी इंफॉर्मेशन की। अब फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पर ये फिलअप करना पड़ेगा कि आपके जो फ्लायर हैं वो आपने किस एड्रेस के ऊपर मंगवाने हैं। तो यहाँ पर याद रखें, जो हमने क्लास नंबर 2 के अंदर जो हमने एड्रेस ऐड किया था, आपने सेम वही एड्रेस ऐड करना है ताकि आपकी जो एड्रेस वेरिफिकेशन है वो भी हो जाए। अब यहाँ पर अगर आप अलहदा एड्रेस के ऊपर उस फ्लायर को मंगवा लेंगे और दराज की शॉप के अंदर आपने सेलर सेंटर के अंदर आपने अलहदा एड्रेस दिया है, तो वो आपका जो एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगी और आपका जो अकाउंट है वो इनएक्टिव हो जाएगा। अब मैं सेम एड्रेस वही वाला जो मैंने जरारशी रोड वाला एंटर किया था क्लास नंबर 2 में अपना, वही यहाँ पर मैं एंटर करूँगा, परवीन सिटी एरिया और एड्रेस। लिखने के बाद आपने इसको लेबल देना है कि आपका ये होम एड्रेस है या ऑफिस एड्रेस है। अगर आपने जो पीछे एड्रेस दिया था होम वाला, तो आप यहाँ पर होम का लेबल दे लें, अगर ऑफिस का दिया है तो ऑफिस वाला दे लें। इसके बाद आपने इसको सेव कर लेना है और यहाँ पर ₹99 इसके होम डिलीवरी चार्जेस हैं जो कि आपको देने पड़ेंगे फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पर मैं इसको लेबल लगा के सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद आपके पास साइड के ऊपर आ जाएगा पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो फर्स्ट टाइम आपने क्या करना है कि आपने ये जो फ्लायर मंगवाने हैं या आपने अपने एड्रेस के ऊपर ही मंगवाने हैं। तो एड्रेस को ऐड करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है प्रोसीड टू पे, तो आपकी जो फ़ीस है ये आपको इसी वक्त अदा करनी पड़ेगी, फिर ही आपका ऑर्डर बुक होगा।
तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे प्रोसीड टू पे, आगे आपके पास ये वाली विंडो आ जाएगी जिसके अंदर आपको डिफरेंट किस्म के मेथड मिलेंगे ऑनलाइन फीस को पे करने के। जैसे पहले नंबर पे आ रहा है इजी पैसा, जैज कैश, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और HBL अकाउंट के ज़रिए। तो यहाँ पर मैं जो ऑप्शन इस्तेमाल करने वाला हूँ वो मैं करने वाला हूँ इजी पैसा का। आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, जैज कैश या कार्ड वगैरह। तो यहाँ पर जैसे आप इजी पैसा के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपके पास ऑप्शन मिलेगा कि आपने नीचे अपने मोबाइल नंबर को एंटर करना है, इजी पैसा अकाउंट नंबर को। तो यहाँ पर मैं उसको एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद आपने पे नाउ के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे अब आपकी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आपको एक मैसेज मिलेगा 3737 से, जिसके अंदर आपको एक OTP दिया जाएगा। वो कोड आपने यहाँ पर लगाना है और कोड को यहाँ पर आपने दोस्तों मोबाइल के ऊपर दे के लिख लेना है और कन्फर्म के ऊपर आपने क्लिक करना है। फिर आपकी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर ही आपको मैसेज होगा कि आपके अकाउंट में इतने पैसे, आपके अकाउंट से इतने पैसे कटने लगे हैं, अपना पिन एंटर करें। अब आपने इजी पैसा अकाउंट नंबर का पिन एंटर करना है। तो वेरीफाई करने के फ़ौरन बाद आपको मिलेगा थैंक यू फॉर योर परचेज। तो यहाँ पर हमारा जो ऑर्डर नंबर है वो जनरेट हो चुका है। तो अब दोस्तों आपने ये वाला ऑर्डर नंबर यहाँ से कॉपी करना है और वापस इस विंडो के ऊपर आपने आ जाना है और यहाँ पर आपने वही ऑर्डर नंबर यहाँ पर पेस्ट करना है और इसको आपने सबमिट कर देना है। इस तरह से दोस्तों आपने जो अपना पैकेज मटेरियल है वो आपने ऑर्डर करना है। अब हमारा लास्ट स्टेप रह गया है प्रोडक्ट्स को ऐड करने का। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम इसके ऊपर भी डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।